हाय राधिका रवि, शायद आपको याद नहीं होगा कि ऑफ कोर्स एबीपी या शर्मा के भाई साहब, मैं याद दिलाना चाह रहा था कि आपने जो पहला सीरियल किया था मेरी आशिकी, उसका आउटडोर शूट मैंने पहले किया था और मैं हाउ क्यूट ओह नाइस, ये सवाल नहीं है, लव स्टोरी आपको क्यों याद नहीं होगा, उनको क्यों याद नहीं होगा, उन्होंने तो तुरंत बोला ना आपको याद नहीं होगा, आप नीचे क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपको याद नहीं होगा, नहीं ये सवाल नहीं है, मैं उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। Oh my god, this is a private conversation guys, हमें तो कभी याद नहीं दिलाया विशाल सर को भी कुछ याद नहीं दिलाया। हां जी बोलिए राधिका, मैं जानना चाह रहा था कि अभी आप पहले आपने सीरियल से शुरुआत की, एक लॉजिकल स्टेप ऐड होता है कि आपका माइक आगे पीछे हो रहा है पता है आपको, तो इसको एक स्थिर रखें आप, इससे पहले सवाल में माइक बिल्कुल ठीक था आपका पता है आपको, इस So you want to SMS the question? सुनील, मुझे लगता है आपसे अच्छी ट्रोलिंग कोई नहीं कर सकता किसी की भी, वैसे मेरी भी होती है, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, लाइव हो, कहीं भी आप ट्रोल कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। ओह थैंक यू, मेरे को तो चुप करा दिया आपने कॉम्प्लीमेंट देके। अब माइक नहीं हिलेगा। राधिका, आपने सीरियल से शुरुआत की, एक लॉजिकल स्टेप होता है कि लोग फिल्मों में काम करें, तो क्या आप वापस सीरियल में काम करना चाहेंगी? और दूसरा सवाल ये कि हर हीरोइन जब बॉलीवुड में आती है तो बहुत कॉन्शियस होती है अपने लुक को, इसमें डी ग्लैम लुक है, तो कहीं आपके मन में एप्रिहेंशन था इस चीज को लेकर? जी, दोनों का कनेक्टेड है आंसर। द थिंग इज कि जब मैं सीरियल भी कर रही थी, उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो मेरे मन में यही था कि मुझे एक अच्छा कंटेंट करना है, कहीं पे भी मुझे मिले, वेब में मिले, मूवीज़ में मिले, सीरियल्स में मिले, कहीं पे भी मुझे एक ऐसी चीज़ करनी थी जो मुझे अंदर से मोटिवेट करे कि मैं रोज़ सेट पे आऊँ। इसी के लिए आप एक्टर भी बनते हो, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में, तो इसलिए जब ये स्क्रिप्ट मिली मुझे या मेरे को करने का मौका मिला, विशाल सर ने मुझे दिया है मौका, तो मैंने सोचा भी नहीं, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने बोला कि इट्स ब्रिलियंट, लाइक इट्स अमेजिंग। सो इसकी जो भी डिमांड्स थी उसको पूरा करने में मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुई, क्योंकि दैट वॉज अ कैरेक्टर। मैं एट द एंड ऑफ द डे हीरोइन नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। हीरोइन आप लोग बन जाते हो, आप ऐसे स्टार वारे से बन जाते हो, बट मैं इस फील्ड में आई हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, और मैं अपने आप को एक्टर बोलूँगी, मैं अपने आप को हीरोइन कभी नहीं बोलूँगी। लेकिन हो तो तुम हीरोइन ना पिक्चर की, वो आप लोग बना दो, मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, अच्छा काम करना है।